बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज स्टार्ट फॉर सेकंड ईयर कॉमर्स, यूनिट नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सो आज हम उससे क्वेश्चन नंबर 6.41 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और हम सारे क्वेश्चन बुक से शाहिद जमाल है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। अ बॉक्स कंटेन्स 7 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट 2 वाइट बॉल्स विल बी ड्रॉन। तो एक बॉक्स है, उसके अंदर 7 वाइट और 3 रेड बॉल्स हैं, तो यानी कि टोटल कितनी हमारे पास हो जाएंगी, 10। तो ये याद रखें। देन कह रहे हैं 3 बॉल्स ड्रॉन हो रही हैं उसमें से, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उसमें से 2 वाइट बॉल की। तो ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल बॉल्स कितनी ड्रॉ हो रही हैं, वो है 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 बॉल्स फ्रॉम 10 बॉल्स। बताया था हमने टोटल ले लिया 7 का और ये 3 का, तो ये हमारे पास हो गया 10। तो ये हमारे पास 10 हो गया, 7 वाइट और ये 3 रेड बॉल्स का। तो 10 बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन, तो ये हमारे पास NCR वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 10 ऊपर आ जाएगा बड़ा नंबर, फिर ये सी और ये 3 नीचे आ जाएगा। अब मैं इसका यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, 120 वेज। तो हमने इससे पहले भी ये वाला सॉल्व किया है, उसमें भी जो कैलकुलेशन थी सेम यही था, 10C3 था इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा वाला जिसमें 10C3 एक साथ आ रहा था, वो आई थिंक हमारे पास था, आप बस वहाँ से जाके ले लें। वैसे आपको ये आता ही होगा सारा जो के होता है ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से जो होते हैं हमारे पास NCR वाला फार्मूला, तो ये आपको आई होप आता ही होगा। बस ये इसमें फार्मूले में आप पुट कर लें, बाकी जो इसका वो सोल्यूशन होगा वो सेम वैसे ही है। हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें फिर ब्रैकेट सॉल्व करें, देन उसकी पूरे जो होते हैं फैक्टोरियल्स वो निकाल के उसकी सारी कैलकुलेशन ज़रूर शो कीजिएगा। देन फिर उसका आप आंसर, ये हमारे पास कितना आएगा, 120। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्या कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोग पूरी इसकी कैलकुलेशन ज़रूर शो कीजिएगा। तो ये आई होप आपको आ ही गया होगा ये जो NCR वाला फार्मूला है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, अब ये हमें पता चल गया ये हमारे पास कितने आउटकम्स आ गए। तो लिखेंगे देन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे हमारे पास कितने 120 आउटकम्स आ गए। अब हमें बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 वाइट बॉल्स की, तो यहाँ पे हम उसको ए कंसिडर करेंगे। तो ए इक्वल्स टू 2 वाइट बॉल्स विल बी ड्रॉन। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सिर्फ वही लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप भी सिंपल वही लिख दें। अब एक बार यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल 3 बॉल्स हैं जो कि 10 बॉल्स में से ड्रॉ हुई है, राइट। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कह रहे 2 वाइट बॉल्स, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ हमें बतानी है 2 वाइट बॉल्स की, नहीं हमें तो 3 बतानी है जो कि 3 बॉल्स गिरी हैं पूरी उसमें से, 10 बॉल्स में से हमें, और वाइट बॉल्स में से 2 बॉल्स गिरी हैं, तो ये हमें बताना है। तो ये थोड़ा सा देखें आप यहाँ पे कि हमारे पास 2 तो हमने वाइट बॉल्स को कर लिया, लेकिन 2 में से 3 है तो 2 - 3 = 1, तो ये 1 बॉल, ये इसकी कहाँ जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल तो 3 बॉल्स गिरी हैं, तो हम उस 1 को भी लेंगे, यानी कि जो 3 में से 2 को तो ले लिया, तो 1 जो बॉल रह गई उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे हमने ए तो उसको कर लिया था, अब हम यहाँ पे दोबारा हम इसको यहाँ चाहें तो बी भी कर सकते हैं, तो बी हमने कर दिया, बी करें या कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं, तो यहाँ हमने बी उसको इस तरह से मान लिया। तो अब यहाँ बी हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग बॉल्स। अब यहाँ पे मैंने वो लिखा है कि यानी कि एक बॉल जो ड्रॉ हो रही है, यानी कि 2 वाइट बॉल्स तो हो रही हैं ड्रॉ, ठीक है, लेकिन टोटल तो 3 थी, तो 1 भी बॉल ड्रॉ हो रही है, तो यहाँ लिखा 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग बॉल्स। अब ये रिमेनिंग बॉल्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रिमेनिंग बॉल्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब टोटल बॉल्स में से नहीं हो रही, टोटल बॉल्स तो हमारे पास ये हो जाएंगी, राइट। अब इसके आगे से हम सॉल्व करेंगे, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने कहा कि जैसे कि यहाँ पे हमने 2 वाइट बॉल्स का अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसके यहाँ से आउटकम्स निकालेंगे, तो ये 2 क्या है, मतलब टोटल तो 3 थी, उसमें से हाफ़ यहाँ पे हमने बॉल्स की निकाली,
तो यहाँ पे हमने फिर हाफ हमने बी इसके बी पार्ट में हमने यहाँ पे अब निकालेंगे, यानी कि हमने हाफ हाफ इस तरह से कर ली, हाफ तो नहीं एक हाफ से ज़्यादा ही उधर चले गई और यहाँ पे फिर हमारे पास सिंगल बॉल यहाँ पे रह गई। तो इसी तरह से रिमेनिंग बॉल्स यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये रिमेनिंग बॉल्स से निकलेगा इसकी जो आउटकम्स होंगे वन बॉल की, क्योंकि बाकी की जो बॉल्स हैं वो तो इसमें से निकल रही है ना, इसमें से यानी कि टू में से निकलेंगी बाकी की जो बॉल्स होंगी, और जो उसमें से बाकी रह जाएंगी तो वो जो बाकी रिमेनिंग बॉल्स होंगी, इसलिए मैंने यहाँ रिमेनिंग बॉल्स लिखा कि हम रिमेनिंग बॉल्स से बाकी जो वन बॉल है उसकी हम आउटकम्स निकालेंगे। जैसे कि अभी मैं आगे सॉल्व करवाऊंगी तो आपको फिर कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ रिमेनिंग बॉल्स क्यों लिखा था। तो अब हम आउटकम्स निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देन नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, ए में पहले हम निकाल रहे हैं तो ये ए में हमारे पास कितना आ जाएगा, टू वाइट बॉल्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आउटकम्स निकाल लें। टोटल हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, सेवन, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेवन, बड़ा नंबर है ऊपर आ जाएगा, और ये सी, और फिर हमारे पास कितनी टू, तो ये टू नीचे आ जाएगा राइट। तो जैसे बड़ा नंबर है ऊपर आ गया और नीचे छोटा नंबर आ गया, वही एन सी आर वाला फार्मूला है, फिर ऐसे ही आगे अप्लाई होगा पूरा एन सी आर फार्मूले में वैल्यू सारी अप्लाई होंगी, यानी कि सेवन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर सेवन माइनस टू का होल फैक्टोरियल, फिर उसको आगे पूरा सॉल्व करना है, यानी कि पूरी कैलकुलेशन आपने शो ज़रूर करनी है। यहाँ मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 21, तो इसका 21 आंसर आएगा, यानी कि ये हमारे पास आउटकम्स कितने आए, ए में 21 आए। अब बी में हमें पता है, तो यहाँ बी में भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो देन नंबर ऑफ आउटकम्स, अब मैं यहाँ पे जो करने जा रही हूँ वो आप देखें कि मैंने इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग बॉल्स लिखा था, तो ये मैं ज़रा लिख दूँ पहले, ये पूरा इस तरह से जैसे कि यहाँ लिखा था सेम यहाँ भी लिखा। अब देखें तो हमारे पास सेवन बॉल्स हैं वाइट बॉल्स, उसमें से टू की हमने निकाला आउटकम्स, अब जो सेवन है और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, टेन, यानी कि सेवन प्लस थ्री बन के हमारे पास टोटल टेन बनी है। अब टेन में से जो हमारे पास वाइट बॉल्स थी उसकी तो हमने निकाल ली, इस तरह से आउटकम्स निकाल लिए, तो क्या करना है कि जितनी भी वाइट बॉल्स थी यानी कि सेवन वाइट बॉल्स थे उसको हम लेस कर देंगे, लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बच जाएगा, रेड बॉल बच जाएगी, थ्री रेड बॉल्स बच जाएंगी। तो यानी कि जो वन बॉल हमारे पास ड्रॉ हुई है, टू तो वाइट बॉल्स हुई है, तो वन कौन से कहाँ से हुई है, वन जहरी बात है रेड बॉल में से ड्रॉ हुई है, तो यानी कि बस लेस कर देना है। जैसे हमने ऐड किया था तो टेन बने थे, यानी कि सेवन प्लस थ्री किया था तो टेन बने थे, अब उसमें से क्या करना है, वाइट को अलग कर देना, वाइट को अलग कर दिया तो हमारे पास कितनी रह गई, थ्री रेड बॉल्स रह गई। तो यहाँ थ्री में से अब हम निकालेंगे इस बी वाले में से वन बॉल, तो ये हम थ्री ऊपर आ जाएगा सी और ये वन, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास कितना आएगा, थ्री आएगा। तो इसके आउटकम्स कितने आए, थ्री आए, और इसके कितने आए, 21 आए, इस तरह से। तो इसलिए मैंने रिमेनिंग बॉल्स लिखा, बिकॉज क्यों रिमेनिंग बॉल्स लिखा मैंने फिर बताती हूँ आपको, कि हमने वाइट बॉल्स को लेस कर दिया क्योंकि उसकी हम ऑलरेडी यहाँ पे आउटकम्स निकाल चुके थे, इसलिए मैंने उसको लेस कर दिया। बाकी जो बॉल्स रह गई वो रेड बॉल्स थी, तो उसमें से एक मतलब यानी कि एक रेड बॉल में से बॉल ड्रॉ हुई है और दो हमारे पास वाइट बॉल में से ड्रॉ हुई है। तो ये जो हमारे पास अब आ गया है, इन दोनों को यहाँ इस तरह लिखेंगे, सी टू सेवन सी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सी वन, इन दोनों को ले लिया मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू ये 21 मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो 21 मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो ये आंसर देखें कितना आता है, 63, तो यहाँ पे लिखेंगे 63, तो ये 63 वेज कहलाएगा 63। अब जो हमारा असल आंसर है वो है 63, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये देन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी, ये अगर आप लिखना चाहें तो लिखें वरना हमारा आंसर भी यहाँ तक सही है, बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ तक सिर्फ। तो ये हमारे पास 63 इसका टोटल आंसर आ रहा है, ठीक है 63। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कर देते हैं क्योंकि हमने ए और बी तो उसको कंसिडर कर दिया था, अब हम असल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना चाह रहे हैं। अब हम कोई भी अल्फ़ाबेट लिखें सही हमारा आंसर कहलाएगा, तो ये ज़्यादा इतना नहीं है, बस यहाँ पे हम अगर सी भी लिख दें ए भी लिख दें कुछ भी लिख दें सही कहलाएगा हमारा आंसर। देन यहाँ पे भी बस ये नंबर ऑफ एस हमारे पास होना चाहिए क्योंकि वो सैम्पल स्पेस का शो करता है, तो ये आ गया 63, और ये हमारे हमने ऊपर आंसर निकाला था वो था 120, तो ये 120 और 63 अपॉन में आंसर है,
अब देख सकते हैं 3 है और 0 है, तो ये कौन से नंबर से हमारे पास हो सकता है आगे। तो अगर ये हम देखें तो ये हमारे पास देखें 12 है, ये हमारे पास 3 है और ये 6 है। अगर इसको अलग अलग करके देखें तो ये हमारे पास 3 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में, ठीक है। तो ये 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 3 21 हो गया, अपॉन ये हमारे पास 3 4 12 हो जाएगा, 3 4 12, और ये 0 ऐसी का ऐसी यहाँ पे आ गया। तो ये देखें आंसर हमारा आ रहा है 21/40, जो कि बुक के अकॉर्डिंग है। तो ये इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो कि मैंने ये समझाया। बस ये थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन है, ये बस देख लें आप कि अगर इस तरह से हमारे पास देखा हो कि 3 कोई 3 आइटम्स या बॉल्स हैं या कार्ड्स हैं जो कि ड्रॉ हो रहे हैं, और उसमें से हमें किसी 2 की प्रोबेबिलिटी कहने को मांग रहे हैं, यानी कि फाइंड करने को कह रहे हैं, तो हमने फिर देखना है कि टोटल तो 3 जो भी चीज़ है वो ड्रॉ हुई है, तो ये 2 के कैसे मान रहे। तो इस तरह से हमने बस देखना होता है कि हमने 1 जो चीज़ रह जाती है उसकी अलग से हमें खुद प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो ये बस हम देखें इस तरह से, फिर हम जब आंसर आ जाएगा फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसको आंसर को हमने प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूले में पुट करना है, फिर डिवाइड करना है उसको सैम्पल स्पेस से, उसका जो आंसर आया फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये आया, तो ये 21/40 इसका ये आंसर आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई थिंक इसके आगे भी एक और ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस तरह के रिलेट करता है, तो आप अगर वहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं भी वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ, मतलब इस ऐसे वाले क्वेश्चन की, तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर ये रहा 21/40, जो कि बुक के अकॉर्डिंग है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।